अस्सलाम वालेकुम, मैं मेरे इस वीडियो के अंदर आप लोगों को हार्मनी वन प्रोडक्ट के बारे में प्रॉपरली गाइड करूंगा कि ये क्या है, किस तरह से ये करंटली क्रिप्टो मार्केट के अंदर काम कर रहा है और इसके अलावा फ्यूचर के अंदर हम लोग क्या एक्सपेक्ट कर सकते हैं इस प्रोडक्ट की तरफ से। और इसके अलावा इतना जो सा टोकन है वन टोकन, उसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे, ये देखने की कोशिश करेंगे क्या इसकी प्राइस अपने ऑल टाइम हाई जो इसे बनाया था तकरीबन $0.3 के लेवल के ऊपर, क्या इसकी प्राइस इस लेवल तक जा सकती है या नहीं जा सकती है। और इसके अलावा वीडियो के एंड के ऊपर बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस भी करेंगे ताकि हम लोग को आइडिया हो सके कि करंट क्रिप्टो मार्केट किस तरह का रन दिखा रही है, ताकि आप लोग अपने मैक्सिमम प्रॉफिट जनरेट कर सकें यहाँ पे क्रिप्टो मार्केट के ऊपर से। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। सबसे पहले बात करते हैं यहाँ पे हार्मनी वन के ये है क्या। तो हार्मनी एक लेयर वन की ब्लॉकचेन है जो कि 2019 के अंदर लॉन्च की गई थी। उनका जो सा मेन फोकस था वो इथेरियम ब्लॉकचेन की मेन प्रॉब्लम मतलब कि स्केलेबिलिटी के इशू को सॉल्व करना था, जो कि ये काफी अच्छे तरीके से सॉल्व कर रहे हैं, क्योंकि इस ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन की फाइनलिटी का टाइम सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का टाइम है और ये काफी कम फीस भी लेता है इथेरियम के मुकाबले में। और इसके अलावा इनका जो सा टोकन है वन टोकन, हार्मनी की टीम ने बाइनेंस ब्लॉकचेन को यूज करते हुए अपने टोकन की इनिशियल एक्सचेंज ऑफरिंग्स बैक इन 2019 करवाई थी ताकि मैक्सिमम फंडिंग्स को इकट्ठा किया जा सके। और जब मैक्सिमम फंडिंग्स इकट्ठी होगी तो फिर इन्होंने जून 2019 के अंदर अपना जो सा मेन नेट है हार्मनी का मेन नेट उसको लॉन्च किया था। और इसके अलावा जैसा कि मैंने आपको बताया कि जो सा मेन फोकस है वो तो इथेरियम की स्केलेबिलिटी के इशू को सॉल्व करना है, लेकिन इनकी टीम का ये कहना है कि ये लोग ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को भी सॉल्व कर रहे हैं, मतलब एजेंसी ब्लॉकचेन है ये बिल्कुल सिक्योर ब्लॉकचेन भी है, स्केलेबल ब्लॉकचेन भी है और डिसेंट्रलाइज ब्लॉकचेन भी है। तो क्या वाकई में ऐसा है या नहीं है कि इसके बारे में हम लोग आगे जाके स्टडी करते हैं तो हम लोग को आइडिया हो जाएगा कि वाकई में क्या ये ब्लॉकचेन ट्रायलेमा को कंप्लीट कर रहे हैं या नहीं कर रहे हैं। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले कि जो सी ब्लॉकचेन है ये काम किस तरह से कर रही है, तो हार्मनी ब्लॉकचेन यहाँ पे इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को काम कर रही है, मतलब कि इस ब्लॉकचेन को भी चलाने के लिए नोड प्रोवाइडर्स की जरूरत होती है कि जिसमें से कुछ वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स है और कुछ डेलीगेटेड नोड प्रोवाइडर्स है। तो करंटली आप लोग देख सकते हैं कि ओवरऑल तकरीबन 297 नोड प्रोवाइडर्स इनके ऑनलाइन है, जिसमें से 130 इलेक्टेड मतलब कि 130 इनके वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स हैं और उसके अलावा बाकी के तकरीबन 167 इनके डेलीगेटेड नोड प्रोवाइडर्स हैं और ये दोनों मिलकर करंटली इस ब्लॉकचेन को रन कर रहे हैं। और क्योंकि ये लोग इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को यूज कर रहे हैं तो इनके जितने भी वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स हैं उनमें से कौन सा वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर एक स्पेसिफिक ट्रांजैक्शन को वैलिडेट करेगा ताकि वो जो सा नया ब्लॉक है वो इनकी ब्लॉकचेन के अंदर ऐड हो सके, तो उस वैलिडेटर को पिक करने का जो सा तरीका है वो बिल्कुल रैंडम तरीका है। तो क्योंकि इनके वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर को पिक करने का जो सा तरीका है वो बिल्कुल रैंडमाइज है, तो इसीलिए ये जो सी ब्लॉकचेन है ये अपनी तरफ से बिल्कुल सिक्योर ब्लॉकचेन है। लेकिन अगर आप लोग इसके बारे में थोड़ा बहुत स्टडी करेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इन्होंने अपनी जो सी ब्लॉकचेन है उसको शार्ट्स के अंदर आगे डिवाइड किया हुआ है और टोटल 4 शार्ट्स के अंदर इन्होंने अपनी ब्लॉकचेन को डिवाइड किया हुआ है। तो सबसे पहले शार्ट्स क्या होता है अगर उसके बारे में आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं, तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इसका मतलब ये होता है कि मेन ब्लॉकचेन के ऊपर ट्रांजेक्शन का रश ना डले, इसीलिए उन तमाम ट्रांजेक्शन को सब पार्ट्स के अंदर डिवाइड कर दिया जाता है और फिर उन सब पार्ट्स के अंदर जो सी ट्रांजेक्शन है उनको कम्प्लीट किया जाता है। तो इसीलिए इन्होंने भी अपनी जो सी ब्लॉकचेन है उसको शार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है और टोटल इन्होंने भी 4 शार्ट्स के अंदर डिवाइड किया हुआ है अपनी ब्लॉकचेन को, तो इसीलिए इस ब्लॉकचेन के ऊपर वाकई में स्केलेबिलिटी का जो सा इशू है वो हम लोगों ने कभी भी नहीं देखा है। और अगेन हर शार्ट के अंदर क्योंकि ट्रांजेक्शन की फाइनलिटी का जो टाइम है वो सिर्फ और सिर्फ 2 सेकंड का ही टाइम है, तो अगेन ये तो एक काफी अच्छा साइन है। लेकिन हर शार्ट को वैलिडेट करने के लिए हार्मनी वन ब्लॉकचेन का मेन गोल ये था कि वो लोग टोटल 80 वैलिडेटर नोड्स उनसे हैं वो रखें, लेकिन करंटली आप लोग देख सकते हैं कि सिर्फ और सिर्फ 130 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर वो इनके ऑनलाइन है। और इसके बारे में मैं पिछले 2 से 3 दिन से स्टडी कर रहा हूँ और पिछले 2 से 3 दिन के अंदर मुझे मैक्सिमम जो से वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर ऑनलाइन लिखे हैं वो सिर्फ 132 थे और मिनिमम तकरीबन 128 थे और अभी भी तकरीबन 130 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर जो से वो इनके ऑनलाइन है। इसका मतलब ये है कि करंटली हर शार्ट के लिए तकरीबन 32 से 33 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर जो से वो ऑनलाइन है। तो सिर्फ और सिर्फ 32 से 33 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर क्योंकि इनके ऑनलाइन है तो 51% अटैक का खतरा काफी इजी है इस ब्लॉकचेन के ऊपर, क्योंकि 32 में से लेट्स से सिर्फ 17 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर को हैक करना है। और अगर कोई हैकर के जिसके पास काफी ज्यादा रिसोर्सेज मौजूद हैं तो अपने रिसोर्सेज को यूज करते हुए सिर्फ 17 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर को वो हैक करेगा और फिर इसके बाद इस ब्लॉकचेन के होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो उनको बहुत ईजिली मैनिपुलेट कर सकता है। तो ठीक है, इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को यूज करते हुए वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स में से किसी भी स्पेसिफिक वैलिडेटर को पिक करना एक काफी रैंडमाइज्ड तरीके के ऊपर है, लेकिन अगर 17 वैलिडेटर नोड्स को ये हैक कर लेते हैं तो फिर इस ब्लॉकचेन को पर जितनी भी ट्रांजेक्शन है उनको बहुत इजीली मैनिपुलेट किया जा सकता है। तो इस चीज को भी आप लोगों ने अपने माइंड के अंदर रखना है कि इनके वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर्स जो हैं वो अपने गोल से काफी ज्यादा कम है
मतलब कि 80 वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर एक ब्लॉकचेन के लिए होने चाहिए थे, लेकिन करंटली सिर्फ 32 से 33 है, मतलब कि इनके गोल से हाफ से भी कम वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर है करंटली हार्मनी वन ब्लॉकचेन के। तो इस तरह से इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो काम कर रही है, मतलब कि शार्डिंग और इफेक्टिव प्रूफ ऑफ स्टेक कंसेंसस को यूज करते हुए इनकी जो सी ब्लॉकचेन है वो करंटली यहाँ पे आप लोगों को काम करती हुई दिखाई दे रही है। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले कि इकोसिस्टम के बारे में, तो अगर आप लोग यहाँ पे डैप्रिट आर्क पर सर्च करेंगे तो आप लोगों को यहाँ पे पता लगेगा टोटल तकरीबन 140 से 145 डैप्स ऐसी हैं जो कि हार्मनी वन ब्लॉकचेन के ऊपर बनी हुई है, जो कि काफी अच्छा नंबर है, लेकिन इनका यूज केस बहुत ज्यादा कम है। अगर आप लोग यहाँ पे देखेंगे तो मैंने पिछले 24 घंटे के अंदर जो से फिल्टर जो उसको ऑन किया हुआ है, पिछले 24 घंटे के अंदर सबसे ज्यादा यूज होने वाला जो सा इनका डैप है वो है कि डीफाई, मतलब कि डेक्स की ऐप है ट्रैंक्विल फाइनेंस के नाम से, जिसको पिछले 24 घंटों के अंदर सिर्फ और सिर्फ 317 लोगों ने यूज किया है, और इसका जो सा वॉल्यूम है वो सिर्फ $24,000 का वॉल्यूम रहा है पिछले 24 घंटों के अंदर। और इसके अलावा दूसरे नंबर पर सबसे ज्यादा जो सी इनकी यूज होने वाली डैप है वो हार्मनी वन बेस्ड सुशी स्वैप है, जिसको तकरीबन 169 लोगों ने यूज किया है और टोटल तकरीबन $33,000 का वॉल्यूम रहा है। और इसके अलावा जैसे जैसे आप लोग आगे स्टडी करते रहेंगे आप लोगों को पता लगेगा कि इस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जितनी भी डैप्स हैं उनका यूजेस काफी ज्यादा कम है एज कम्पेयर टू इट्स कम्पेटिटर, जितने भी कम्पेटिटर्स हैं जैसे बाइनेंस है, इथेरियम है, एवलॉन्च है, और इसके अलावा बाकी भी जो सी लेयर वन की ब्लॉकचेन्स हैं उनके ऊपर बने हुए जो सी डैप्स हैं उनका यूज केस बहुत ज्यादा है। तो बस एडॉप्शन जो सी इस प्रोडक्ट की वो काफी कम नजर आ रही है हम लोगों को यहाँ पे। इसके अलावा अगर आगे चलते चले कि इकोसिस्टम के बारे में और ज्यादा स्टडी करते चले तो एक और इनके इकोसिस्टम का काफी अच्छा जो सा फीचर है वो है ब्रिजिंग का फीचर, कि जिसके जरिए से आप लोग इथेरियम और बाइनेंस इन दोनों ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए जितने भी प्रोजेक्ट्स हैं उनको बहुत इजीली ब्रिज कर सकते हैं हार्मनी वन ब्लॉकचेन के ऊपर। तो सिर्फ और सिर्फ आप लोगों ने अपने मेटामास्क वॉलेट को कनेक्ट करना है और मेटामास्क के ऊपर आप लोग इथेरियम नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं, बाइनेंस नेटवर्क भी ऐड कर सकते हैं और हार्मनी वन नेटवर्क भी बहुत इजीली ऐड कर सकते हैं। तो बस मेटामास्क वॉलेट को यूज करते हुए आप लोग अपने जो से टोकन हैं जो कि इथेरियम या बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं उनको हार्मनी वन, और इसके अलावा ऐसे प्रोडक्ट जो कि हार्मनी वन ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं लेकिन आप लोग उनको इथेरियम या बाइनेंस ब्लॉकचेन के ऊपर लेके जाना चाहते हैं वो भी बहुत इजीली कर सकते हैं। इसके अलावा अगर आगे स्टडी करते चले फ्यूचर प्लानिंग के बारे में इसके ऊपर बात करते चले तो यहाँ पर हार्मनी की तरफ से हम लोगों ने देखा कि उन्होंने अपनी खुद की डोमेन डॉट कंट्री के नाम से लॉन्च की है। खुद डोमेन्स जैसा कि आप लोगों को पता है डॉट कॉम के नाम से कुछ डोमेन्स होती हैं, कुछ डॉट xyz के नाम से होती हैं या कुछ डॉट io के नाम से डोमेन्स वगैरह होती हैं। इसी तरह से हार्मनी ने अपने डॉट कंट्री के नाम से यहाँ पे डोमेन्स को लॉन्च किया है, जिसका मेन फोकस है वेब 2 और वेब 3 को यूनिफाई करना। तो किस तरह से ये लोग अपनी इस डोमेन्स के ऊपर वेब 2 और वेब 3 को यूनिफाई करेंगे तो उसके बारे में इन्होंने बताया हुआ है कि काफी ऐसे प्रोजेक्ट जो कि वेब 2 बेस्ड है फ्यूचर के अंदर अपने आप को डॉट कंट्री की डोमेन को यूज करते हुए वेब 3 के ऊपर मतलब कि हार्मनी ब्लॉकचेन के ऊपर लॉन्च करेंगे। तो जब वो हार्मनी ब्लॉकचेन के ऊपर अपने आप को लॉन्च करेंगे तो ऑफ कोर्स ये लोग वेब 2 को वेब 3 से यूनिफाई कर रहे हैं। और इसके अलावा अगर आप लोग डॉट कंट्री की डोमेन्स वगैरह को यहाँ पे बाय भी करते हैं तो इसके जो से यूज केसेस है उसके अंदर आप लोगों को ये पता लगेगा क्योंकि ये वेब 3 बेस्ड है तो इसलिए आप लोगों की जो सी आइडेंटिटी है वो काफी ज्यादा सिक्योर रहने वाली है। और इसके अलावा डोमेन्स के ऊपर जो सा भी डाटा स्टोर किया जाएगा वो डिसेंट्रलाइज तरीके से स्टोर किया जाएगा। तो आप लोग भी अगर डॉट कंट्री के नाम से कोई भी डोमेन को अपनी बाय करना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पर आके बहुत इजीली अभी भी इसको बाय कर सकते हैं। और इसके अलावा एक और इनका जो सा नया फीचर है अगर उसके बारे में आप लोग गाइड करता चलूं तो वो है इनका जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड डाओ, मतलब कि डिसेंट्रलाइज ऑटोनोमस ऑर्गेनाइजेशन को बनाना। और उसके बारे में अगर मैं आप लोगों को यहाँ पे गाइड करता चलूं तो यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इनका जो सा मेन फोकस था वो ये था कि ये लोग तकरीबन 1000 डेवलपर्स को ऑन बोर्ड करना चाहते हैं, मतलब कि 1000 डेवलपर्स को अपनी जो सी ये जीरो नॉलेज बेस्ड यूनिवर्सिटी है उसके अंदर ऐड करना चाहते हैं, जो कि इन्होंने कंप्लीट कर लिया है। आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि टोटल 1000 जो से डेवलपर्स हैं वो ऑलरेडी ऐड हो चुके हैं इनके इस डाओ के अंदर और वही इनकी गवर्नेंस के अंदर शामिल है, मतलब कि वो लोग जो भी चेंजेस करना चाहेंगे अपनी इसी यूनिवर्सिटी के अंदर और इनके जो से यूज केसेस हैं उनके अंदर वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। बस करना ही है कि हम लोग देखेंगे बहुत जल्दी हार्मनी की तरफ से जीरो नॉलेज प्रूफ जो इनका डाओ है उसके लिए ये लोग अपना एक खुद का टोकन लॉन्च करेंगे। तो जितने भी डेवलपर्स उस टोकन को होल्ड करेंगे एक स्पेसिफिक तादाद के अंदर वो उसकी गवर्नेंस के अंदर शामिल हो जाएंगे और फिर वो वोटिंग को यूज करते हुए जो भी चेंजेस करना चाहेंगे इस जीरो नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर वो बहुत ईजिली कर सकते हैं। और इसके अलावा आप लोग भी इस जीरो नॉलेज यूनिवर्सिटी के अंदर से जो भी डेवलपर्स ने अपनी रिसर्च वगैरह की है उस रिसर्च के बारे में अगर स्टडी करना चाहते हैं तो यहाँ पर आके बहुत ईजिली आप लोग भी कर सकते हैं। और इसके अलावा अगेन इनका जो सा मेन यूज केस होने वाला है इस जीरो नॉलेज यूनिवर्सिटी
थ्री का या इस जीरो नॉलेज बेस्ड डाओ का वो ये होने वाला है कि जितने भी ये डेवलपर्स हैं इनके 1000 डेवलपर्स, वो कोई भी अगर अपना प्रोजेक्ट लॉन्च करना चाहते हैं हार्मनी वन ब्लॉकचेन के ऊपर, तो उनके लिए उनकी जो सी है वो हेल्प वगैरह की जाएगी, और अगर उनको फंडिंग्स वगैरह की जरूरत है उस चक्कर में उनकी हेल्प वगैरह की जाएगी, या अगर उनको पार्टनरशिप्स वगैरह करनी है किसी भी डिफरेंट प्रोजेक्ट से, किसी भी ऐसे प्रोजेक्ट से जो कि हार्मनी ब्लॉकचेन के ऊपर नहीं बने हुए हैं, किसी डिफरेंट ब्लॉकचेन के ऊपर बने हुए हैं, अगर उनके साथ वो लोग अपनी पार्टनरशिप्स वगैरह करना चाहते हैं तो उसके अंदर इनकी जो सी डाओ है वो इनकी हेल्प करेगी। तो ये भी एक काफी यूनिक फीचर है यहाँ पे जीरो नॉलेज प्रूफ बेस्ड डाओ का बनाना यहाँ पे हार्मनी वन की तरफ से। उसके अलावा बाकी का जो से सिस्टम के प्रोजेक्ट शामिल है उसके बारे में मैंने आप लोगों को यहाँ पे गाइड कर दिया है। तो ये है इनका ओवरऑल इकोसिस्टम। अगर आगे चलते चले बात करते चले इनकी टीम के बारे में, तो इनकी टीम के अंदर आप लोगों को जितने भी इंडस्ट्री के टॉप नॉच डेवलपर्स हैं वो नजर आएंगे। तो सबसे पहले स्टीफन सी जो कि इनके सीईओ और इस ब्लॉकचेन के को-फाउंडर हैं, उनके बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो उनके जो से प्रीवियस एक्सपीरियंस है उसके अंदर इन्होंने माइक्रोसॉफ्ट के अंदर, इसके अलावा गूगल के अंदर, इसके अलावा एप्पल के अंदर, तीनों मेन जो से वेब टू की कंपनीज हैं उसके अंदर जॉब की हुई है और काफी एक हैवी लेवल के ऊपर इन्होंने जॉब की हुई है। और इसके अलावा अगर आप लोग यहाँ पे इनके जो से दूसरे को-फाउंडर हैं रोंगजिन लैन, उनके बारे में स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि वो गूगल के अंदर प्ले स्टोर के अंदर पिछले तकरीबन 10 साल से काम करते रहे हैं। तो अगेन इनके जो से जितने भी टीम मेंबर्स हैं उनके बारे में अगर आप लोग स्टडी करते जाएंगे तो आप लोगों को पता यही लगेगा कि सारे के सारों का जो सा मेन बैकग्राउंड है वो मेन जितनी भी कंपनीज है कि जिसके अंदर गूगल कंपनी आ जाती है, इसके अलावा माइक्रोसॉफ्ट आ जाती है, एप्पल आ जाती है, और बाकी की जो सी कंपनीज है मेन डेवलपमेंट से बेस्ड जितनी भी कंपनीज है उन सब के अंदर इनका एक काफी हैवी एक्सपीरियंस रह चुका है। तो ये भी अगेन एक काफी अच्छा साइन है कि इंडस्ट्री के टॉप के जो से डेवलपर्स हैं वो इस प्रोजेक्ट के अंदर शामिल है और वो करंटली इस प्रोजेक्ट को रन करने की कोशिश कर रहे हैं। बस इनका जो सा यूज केस है कि जो सी एडॉप्शन है वो काफी ज्यादा कम है। तो जैसे जैसे इस प्रोजेक्ट की एडॉप्शन बढ़ती जाएगी वैसे वैसे हम लोग देखेंगे इनका जो सा टोकन है वन टोकन वो हम लोगों को काफी अच्छा पंप करता हुआ दिखाई देगा। तो सबका सब डिपेंड बस ये करता है कि इस ब्लॉकचेन का जो सा यूज केस है और इस ब्लॉकचेन की जो सी एडॉप्शन है वो ज्यादा से ज्यादा होती जाए ताकि इस ब्लॉकचेन का जो सा टोकन है उसकी प्राइसेस को हम लोग काफी अच्छा पंप करता हुआ देखें। इसके अलावा इस ब्लॉकचेन के जो से कंपेटिटर्स हैं अगर उसके बारे में बात कर ली जाए तो जितने भी लेयर वन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं जिसके अंदर इथेरियम आ जाता है, बाइनेंस आ जाता है, एवलॉन्च आ जाता है, उसके अलावा बाकी के जितने भी लेयर वन बेस्ड प्रोजेक्ट्स हैं वो सबके सब डायरेक्ट कंपेटिटर्स हैं इस ब्लॉकचेन के। और इसके अलावा बाकी की जितने मैंने ब्लॉकचेन्स का नाम लिया कि जिसके अंदर एवलॉन्च है, बाइनेंस है और इथेरियम है, इनके अनुसार यूज केस है और इनकी जो एडॉप्शन है वो एज कम्पेयर टू हार्मनी बहुत ज्यादा एडॉप्शन है। तो इसीलिए हम लोग देखते हैं कि उन ब्लॉकचेन को ज्यादा प्रेफर किया जाता है एज कम्पेयर टू हार्मनी, और इसलिए हम लोग देख रहे हैं कि हार्मनी का जो सा टोकन है वो हम लोगों को बहुत भी अच्छा पंप करता हुआ यहाँ पे दिखाई नहीं दे रहा है। अब अगर आगे चलते चले बात करते चले टोकनॉमिक्स और यूज केसेस के ऊपर, तो सबसे पहले जो सा इनका टोकन है वन टोकन, उनके यूज केसेस के बारे में अगर मैं आप लोगों को बताता चलूं तो मेन का जो सा यूज केस है वो गैस फीस के ऊपर है, मतलब कि हार्मनी इकोसिस्टम के ऊपर जितनी भी ट्रांजेक्शन होती है उसके लिए जो सी गैस फीस डिडक्ट होती है वो वन टोकन के ऊपर होती है। इसके अलावा हार्मनी इकोसिस्टम के ऊपर होने वाली जितनी भी ट्रांजेक्शन है वो सबकी सब वन टोकन की शक्ल के अंदर की जाती है। और इसके अलावा गवर्नेंस और स्टेकिंग के ऊपर अगर आप लोग इनके वैलिडेटर नोड प्रोवाइडर या डेलीगेटेड नोड प्रोवाइडर बनना चाहते हैं तो एक स्पेसिफिक तादाद के अंदर आप लोगों को हार्मनी वन टोकन जो है उसको स्टेकिंग के ऊपर लगाना पड़ेगा और फिर आप लोग इनके नोड प्रोवाइडर भी बन सकते हैं। तो यूज केसेस तो हैं इनके टोकन के, लेकिन अगर आप लोग यहाँ पे स्टडी करेंगे तो आप लोगों को पता लगेगा कि ये जो सा टोकन है ये एक इन्फ्लेशनरी टोकन है। करंट इसकी जो टोटल सप्लाई है वो 13.8 बिलियन है और इसकी मैक्सिमम सप्लाई अनलिमिटेड है और अभी भी तकरीबन 3.9% ईयरली बेसिस के ऊपर वन टोकन जो है वो टोटल सर्कुलेशन सप्लाई के अंदर एड हो रहा है। तो क्योंकि ये टोकन जो है वो एक काफी बड़ी तादाद के अंदर एक इन्फ्लेशनरी टोकन है तो इसकी वजह से भी हम लोग ये देखते हैं कि इसने जो सा ऑल टाइम हाई बनाया था बैक इन 22 तकरीबन 0.35 डॉलर्स के करीब, उसके बाद से इसकी जो सी प्राइस है वो नीचे ही डंप करती रही है और इस बियर मार्केट के अंदर काफी ज्यादा इसकी प्राइस डंप की है और अपने ऑल टाइम हाई से तकरीबन 96% इस टोकन की जो सी प्राइस है वो डंप की है और करंटली भी तकरीबन 92% डाउन इसकी प्राइस चल रही है अपने ऑल टाइम हाई से। तो ये भी एक ऐसा साइन है, मतलब कि इन्फ्लेशनरी टोकन का होना ये एक ऐसा साइन है कि जिसकी वजह से हम लोगों का काफी इंटरेस्ट नहीं देख रहे हैं हार्मनी ब्लॉकचेन के ऊपर और इसलिए इनका जो सा टोटल मार्केट कैप है वो सिर्फ और सिर्फ 300 मिलियन डॉलर्स का मार्केट कैप है, जो कि यानी काफी अच्छा साइन नहीं है। अब अगर आगे चलते चले यहाँ पे वन टोकन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, करंटली आप देख सकते हैं कि ये ट्रेड हुआ है 0.0229 डॉलर्स के ऊपर जब मैं ये वीडियो बना रहा हूँ और जितने भी सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल लगे हुए हैं ये काफी पहले जब मैं इसके ऊपर टेक्निकल एनालिसिस किया था तब के लगाए हुए हैं और अभी तक ये
इन्हीं के दरमियान में हम लोग को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो करंट जो सा सपोर्टेबल है वो है 0.023 डॉलर्स के ऊपर, और करंट जो सा रेजिस्टेंस लेवल है वो है 0.023 डॉलर्स के ऊपर। और इसके अलावा अगर आप लोग डेली टाइम फ्रेम के ऊपर देखेंगे तो आप लोगों को आइडिया होगा कि इसका जो सा ये करंट सपोर्टेबल है, जो कि प्रीवियसली एक काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता रहा था। तो 0.023 डॉलर्स का लेवल आप लोग यहाँ पर देख सकते हैं कि फरवरी से लेके पिछले तकरीबन चंद दिनों तक, मतलब कि 14 अप्रैल तक ये वाला जो सा लेवल है ये काफी हैवी रेजिस्टेंस के तौर पर काम करता रहा था यहाँ पे वन टोकन के लिए। और अब क्योंकि वन टोकन ने काफी हैवी वॉल्यूम के साथ इसको तोड़ा है, लेकिन सो फार ये इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में, मतलब कि ये 0.023 डॉलर्स के लेवल को एज ए सपोर्ट के तौर पे होल्ड करके रख रहे हैं। तो इस वक्त आर्मी वन के लिए बहुत ज्यादा जरूरी है कि वो 0.023 डॉलर्स का जो सस्ता एक मेन सपोर्ट है उसको होल्ड करके रखे और उससे नीचे अपनी कैंडल्स बंद ना करे। अगर तो ये इसको होल्ड करके रखता है अगले एक से दो दिन के अंदर और, तो फिर हम लोग इसके प्राइस को एक अच्छा पंप दोबारा से लेता हुआ देख सकते हैं। उसकी जो प्राइस है हम लोग को 0.025 डॉलर्स के लेवल तक भी दिखाई दे सकती है। इसके अलावा इसके ऊपर भी 4 आवर टाइम फ्रेम के तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइंस को आप लोग को करके दिखाता चलूं, तो सो फार आप लोग देख सकते हैं कि ये 20 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन जो कि आ रही है तकरीबन 0.02259 डॉलर्स के ऊपर, उसको ये ऐसा सपोर्ट के तौर पे होल्ड कर रहा है पिछले तकरीबन 5 से 6 दिनों से, जो कि अगेन काफी अच्छा साइन है। और इसके अलावा इसकी जो बाकी की तमाम एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन है वो अपने लेवल के ऊपर है, मतलब कि सबसे ऊपर 20, उसके नीचे 50, उसके नीचे 100 और लास्ट में 200 एक्सप्लेनेशन मूविंग एवरेज की लाइन है। तो अगेन ये भी काफी अच्छा साइन है। तो अगर आप लोगों को यहाँ पे एंट्री एग्जिट पॉइंट्स के बारे में बताता चलूं, तो आप लोगों का जो सा करंट एंट्री पॉइंट बनेगा यहाँ पे हार्मनी के ऊपर वो बनेगा तकरीबन 0.0225 डॉलर्स के ऊपर, और आप लोगों का जो सा एग्जिट टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा तकरीबन 0.0235 डॉलर्स के ऊपर। और इस तरह से आप लोग अपना एक शॉर्ट प्रॉफिट जो है वो जनरेट कर लेंगे यहाँ पे वन टोकन के ऊपर से। इसके अलावा लॉन्ग टाइम फ्रेम के ऊपर आप लोगों को इसके ऊपर इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है, तो इस प्रोडक्ट के बारे में मैंने आप लोगों को प्रॉपरली गाइड कर दिया है कि क्या है, किस तरह से काम कर रहा है, फ्यूचर प्लानिंग के क्या है इस प्रोडक्ट की, उसके अलावा फ्यूचर के अंदर ही हम लोगों को किस तरह का रन दिखाता हुआ नजर आ सकता है। तो सबका सब बस डिपेंड करता है इसकी अडॉप्शन के ऊपर। तो अगर इसकी अडॉप्शन ज्यादा होगी तो फिर हम लोग देखेंगे जो सा टोकन है, इवन दो वो एक इन्फ्लेशनरी टोकन है, लेकिन फिर भी इसकी जो प्राइस हम लोगों को पंप करती हुई दिखाई दे सकती है। और अभी भी ये अपने ऑल टाइम हाई से बहुत ज्यादा नीचे चल रहा है, लाइक 92% अभी भी अपने ऑल टाइम हाई से नीचे चल रहा है। तो अभी भी एक अच्छा लेवल है, लेकिन फिर भी मैं किसी भी किस्म की फाइनेंशियल एडवाइस आप लोगों को नहीं दूंगा, आप लोगों का खुद का फैसला है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी इन्वेस्टमेंट करनी है या नहीं करनी है। तो अगर आप लोगों का फैसला है कि आप लोगों ने इसके ऊपर अपनी लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट करनी है, तो जो से आप लोगों को मेन एंट्री पॉइंट्स बनेंगे मैं आप लोगों को मशवरा दूंगा कि अगर तो इसकी जो प्राइस है वो आप लोगों को 0.02 डॉलर्स के करीब करीब मिल जाती है, तो फिर आप लोग अपनी इसके ऊपर लॉन्ग टाइम फ्रेम के लिए इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। और फिर अगले तकरीबन 2 से 3 साल के अंदर आप लोग अपना एक काफी अच्छा प्रॉफिट जनरेट कर लेंगे यहाँ पे हार्मनी वन के ऊपर से। अगर आगे चलते चले यहाँ पे लास्ट में बिटकॉइन के ऊपर टेक्निकल एनालिसिस करते चले, तो बिटकॉइन जैसा कि कल की वीडियो के अंदर सर गदर्स ने आपको बताया था, अभी भी तकरीबन उसी लेवल के दरमियान में हम लोग को ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। और जैसा कि सर गदर्स ने आप लोगों को कल की वीडियो के अंदर गाइड किया था कि ये अपना मेन जो सा एक लेवल था तकरीबन 29,000 डॉलर से लेकर 31,000 डॉलर तक का लेवल, इसको मेच्योर करने की कोशिश कर रहा है। तो सो फार ये हम लोग को उसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई दे रहा है। तो अभी भी हम लोग देखेंगे अगले चंद दिनों तक, जब तक कि फंडामेंटली काफी अच्छी डेवलपमेंट नहीं हो जाती है, तो मेनली बिटकॉइन हम लोग को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। तो इसका जो सा मेन कंसोलिडेशन लेवल बन रहा है वो तकरीबन 29,700 डॉलर से लेके 30,900 डॉलर का लेवल बन रहा है, और मेनली बिटकॉइन हम लोग को इसी कंसोलिडेशन लेवल के दरमियान में ट्रेड होता हुआ दिखाई देगा। और इसके अलावा वीकली टाइम फ्रेम के ऊपर इसकी जो सी 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन अगर मैं आप लोगों को ऑन करके दिखाता चलूं, तो आप लोग यहाँ पे देख सकते हैं कि वो करंटली आ रही थी 25,700 डॉलर्स के ऊपर। तो क्योंकि ये करंटली अपने 200 वीकली मूविंग एवरेज की लाइन से भी काफी ज्यादा अबव ट्रेड हो रहा है, और करंट वीक के अंदर जैसा कि मैंने आपको बताया था कि अगर तो ये 2 वीक्स के अंदर 30,000 डॉलर से अबव बंद करता है, तो फिर हम कंफर्म करेंगे कि बुल मार्केट स्टार्ट हुई है। तो करंट वीक की कैंडल अगर 30,000 डॉलर से अबव बंद हो जाती है, उसके अलावा नेक्स्ट वीक की कैंडल अगर 30,000 डॉलर से अबव बंद हो जाती है, तो फिर हम लोग ये बात कंफर्म करेंगे बिटकॉइन बुल मार्केट स्टार्ट हो गया, और फिर प्राइस जो है वालों को अगले से अगले वीक के अंदर काफी ज्यादा पंप करती हुई भी दिखाई दे सकती है। तो सो फार यही कंसोलिडेशन लेवल बनेगा, सो फार ये हमको साइड बाय साइड रन ही इसी तरह दिखाता हुआ नजर आएगा। तो होपफुली आप लोगों को आइडिया होगा कि आप लोगों ने किस तरह से अपने ट्रेड्स लेनी है स्पेसिफिकली यहाँ पे बिटकॉइन के ऊपर से। तो ये थी आज की वीडियो, और आज मैंने आप लोगों को मेनली यहाँ पे हार्मनी वन ब्लॉकचेन के बारे में प्रॉपर्ली गाइड करना था। कल की वीडियो के अंदर मैं आप लोगों को किस ब्लॉकचेन बेस्ड प्रोजेक्ट के बारे में गाइड करूँ उसके बारे में आप मुझे नीचे कमेंट सेक्शन के अंदर बताएं। कल तक के लिए आप मुझे इजाजत दीजिए, अल्लाह हाफिज़।